देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले रेजोल्यूशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करती है ये वाली डिस्प्ले की खास करके रेजोल्यूशन, क्योंकि ना तो ये हमारी वीडियो देखने की है ना ही कोई अलग रेजोल्यूशन है। तो एक्चुअली में ये रेजोल्यूशन करती क्या है और अच्छी रेजोल्यूशन, इसमें रिकमेंडेड रेजोल्यूशन क्या होती है, वो चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये फीचर आपको मिलता कहाँ पर है इसके बारे में हम बात कर लेंगे, ये तो बाद में बात करेंगे कि ये क्या करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस विंडो को हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं, यहाँ पर इस पेज को। अब क्या करते हैं कि स्टार्ट के ऑप्शंस पर यहाँ पर जाते हैं अपनी, और अपने जो है सेटिंग्स में जाते हैं। उसके बाद जब हम सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले का ऑप्शन सबसे ऊपर ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमें डिस्प्ले पर जाना है, एंड उसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले रेजोल्यूशन दिखता है। अब देखिए, कोई पीसी के अंदर कोई सा भी रिकमेंडेशंस ऑप्शन हो वो आपके पीसी के हिसाब से रिकमेंड करता ज़रूर है। जैसे रिकमेंड है यहाँ पर 1920 एंड गुणा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1920 1080 रिकमेंड है, इसी आपके तरह किसी पीसी में होगा तो वो अलग यहाँ पर आपको दिखा देगी। ठीक है, तो वो रिकमेंड करता है कि आप कौन सा पीसी यूज़ कर दें, लेकिन मान के चलिए यही एक नॉर्मल रहता है, यहाँ पर इससे ऊपर ज़्यादा नीचे नहीं आता। अब जैसे हम कोई चेंज कर लेते हैं तो हमारी स्क्रीन यहाँ पर छोटी हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड जो है यहाँ से कम हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी हम इसको छोटी करते रहेंगे उसी हिसाब से छोटी होती रहेगी। जैसे यहाँ पर रख लेते थे तो देखिए यहाँ पर कैसे वो चल रहा है, अभी समझ में भी नहीं आया उस टाइम हमारे, तो ये सिस्टम रहता है। अब मैं इसको ये ऐसे ही रहने देता हूँ जिससे कि हमें कोई ज़्यादा इशू ना हो। ठीक है, बाकी ये प्रोसेस रहता है इसका इजी सा, एंड लोड तो पड़ेगा ही आपके पीसी के अंदर जब आप ये सेटिंग्स चेंज करते हैं, तो बार बार ये सेटिंग्स चेंज मत करिएगा, ये सबसे ज़्यादा रिकमेंड है। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।